महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के स्टाफ यूनियन ऑफ नॉन टीचिंग संगठन की ओर से सिंडिकेट सदस्यों को आज एक अपील की गई थी, जिसमें महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के एक कर्मी को अपनी सेवानिवृत्त की आय से पहले निवृत्त करने के बारे में आवेदन दिया गया। यूनिवर्सिटी में बीते कई सालों से चौथे वर्ग के कर्मी के तौर पर काम करने वाले शख्स को वेतन भी चौथे वर्ग के मुताबिक ही मिल रहा था, पर महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें तीसरे वर्ग के कर्मी के तौर पर 58 साल की आयु में ही सेवानिवृत्त कर दिया। तब आज स्टाफ यूनियन ऑफ नॉन टीचिंग संगठन की ओर से अपने सहकर्मी पे हो रहे अन्याय के खिलाफ सिंडिकेट सदस्यों से गुहार लगाई गई थी। मैं अँ ये रजूआत करवामां आया छे के अमारो जे एम्प्लॉई छे एने अमे कहीए छे के क्लास फोर्थ में छे, पण यूनिवर्सिटी ए छेल्ली मोमेंटे एवुं कहे छे के क्लास थ्री छे, तो अमे कहुं के भाई तमारी पासे जे कंई पुरावा होय रजू करो, पण एमणे हजु सुधी कोई पुरावो एवो बतायो नथी। एवुं कहे छे के भाई क्लास थ्री छे, तो अमे कहुं के भाई तमे एने सर्वंट्स क्वार्टर एलॉट कर्युं छे, तमे एने पगार क्लास फोर्थनो आप्यो छे, एपॉइंटमेंटथी अत्यार सुधी एने क्लास फोर्थनो पगार आप्यो छे, અને અત્યારે ક્લાસ થ્રી કહેતા હો તો અમને મંજૂર છે, તો તમે એને એપોઇન્ટ કર્યો ત્યારથી ક્લાસ થ્રીનો પગાર આપો, આટલી જ ડિમાન્ડ છે અમને। કાં તમે એને ક્લાસ થ્રી ગણો કાં ક્લાસ ફોર્થ ગણો, ક્લાસ 58 ક્લાસ થ્રીને 58 રિટાયર્ડ કરવો પડે, તમે એને 58 રિટાયર્ડ કરીને એવું કહો છો કે ક્લાસ થ્રી છે, પણ ડોક્યુમેન્ટ બધા ક્લાસ ફોર્થના બોલે છે, એટલે હવે તમે ડિસાઇડ કરો કે કયો છે। ઉકેલ આવવો પડે, લાવવો પડે એવો જ છે એમને, કારણ કે એને રિટાયર્ડ કરી દીધો છે તો ફરી નોકરીમાં 2 વર્ષ લેવા પડે, કાં પછી એમને 25 વર્ષ ઉપરનો પગાર આપવો પડે।